आप मुझसे पूछा था एक टैंक और वेसल का मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करेगा, उसके वजह से आप मुझसे पूछा है कि मुझको लगता है कि उसका वेट वजन कितना होगा करके आप मुझसे पूछा करके मुझको लगता है आपका डाउट वो ये करके मैं जानता हूं। वो डाउट मैं आज क्लियर करके देने के लिए चाहता हूं, लेकिन क्लियर करके देने के लिए आप एक मेजरमेंट नहीं दिया कि एक टैंक का मेजरमेंट नहीं दिया है, ऐसा है तो भी इसके लिए मैं एक टैंक उसका एक मेजरमेंट मैं डालता हूं, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं। 12 mm थिकनेस वाला एक टैंक है, उसके दोनों एंड में दो डिश है और वो डिश का डायमीटर और टैंक का डायमीटर 2160 है। उसके लंबा पूरा लंबा नहीं है, डिश का एक एंड से एक एंड तक, मतलब ये टैंक में जितना रोलिंग हो गया उसका लंबा 2015, ये ऐसा वाला एक टैंक। उसका मटेरियल 12 mm थिकनेस वाला है तो उसका वजन वेट कितना है करके आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन मैं ये आपको पहले सिखाएगा तो आपको समझने के लिए हल्का मुश्किल होगा। मैं जो आपको सिखाता है वो आसानी रास्ता से सिखाता हूं, इसके लिए ये सीखने के पहले आप ऐसे राउंड वाला सीखने के पहले एक चतुर वाला स्क्वायर वाला सीखना चाहिए, इसके लिए उसको भी मैं ये मेजरमेंट डालता हूं 2160 डायमीटर के बदल राउंड के बदल एक स्क्वायर वाला एक समचतुर वाला 2160 का एक समचतुर वाला एक टैंक बनाएगा तो उसका वजन कितना होगा करके मैं आपको समझाता हूं। उसका भी लंबा पहले दिया हुआ 2015 है, उसका भी लंबा इसको हाइट बोलता है ना, इसको ऊंचाई बोलता है, उसका भी 2015 ये भी ये पहले मैं सिखाएगा, उसके बाद आपको ये आसानी होगा। उसका भी थिकनेस 12 mm है, 12 mm थिकनेस है, लेकिन मैं क्या सोचता है आसानी रास्ता में सिखाना है तो ये सिखाने के पहले इसको चार साइड है करके आपको मालूम है, एक बाजू ऐसा वाले एक बाजू इसका ऑपोजिट साइड इधर इधर से शुरू होकर नीचे तक जाने वाला दूसरा एक बाजू भी है करके आपको मालूम है, और तीसरा बाजू इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाले एक जगह उसका ऑपोजिट इधर भी है, इधर से शुरू होकर नीचे तक जाने वाला एक बाग है। ये चारों बाजू सिखाने के पहले सबसे पहले एक और इसका ऊपर भी एक प्लेट है करके डेमी करके बनाया करके आप समझना चाहिए, उसका भी वजन मैं सिखाऊंगा। इसके नीचे भी एक डमी है करके डमी लगाया है वो भी, उसका भी वजन सिखा के पूरा वजन कितना हो जाएगा करके आप सिखाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा समचतुर वाला टैंक सिखाने के पहले इसका खाली एक साइड का सिखाने के लिए मैं चाहता हूं। ओ मैं इधर खींचा है इधर, इसका हाइट कितना है 2015 लंबा वाला, और इसका ये चौड़ाई कितना है 2160, तब ये लंबा कितना है 2160, वो लंबा 2160, ऐसे 2160 चौड़ाई और 2015 mm लंबा वाला एक प्लेट, उसका भी थिकनेस 12 mm है, वो सिखाने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन मुझको अभी भी डाउट है। आपको मैं 12 mm थिकनेस वाला पहले सिखाएगा तो आपको फिर भी कंफ्यूजन होने के लिए संभावना है, इसके लिए 12 mm के बदल 2160 लंबा एक mm वाला है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ओ मैं इधर लिखा है 2160 विड्थ,
इधर भी वही है 2160 और लंबा 2015 है, लंबा इधर भी 2015 है। मेजरमेंट दोनों सेम है, लेकिन पहले मैं खींचा हुआ ड्राइंग में 12 एमएम थिकनेस था, लेकिन मैं सबसे पहले वो 12 एमएम का सिखाने के पहले 1 एमएम का मैं सिखाऊंगा। ये भी आपको हल्का मुश्किल होगा करके लिखे, ये लंबा 2160 के बदल 1000 एमएम है तो कैसे होगा, और ये लंबा भी 2015 के बदल 1000 एमएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा करके मैं सिखाने के लिए चाहता हूँ। वो ये इधर 1000 एमएम लंबा वाला और 1000 एमएम ये विड्थ वाला, उसको भी 1 एमएम थिकनेस है तो कैसे होगा करके मैं पहले सिखाता हूँ उसको फॉर्मूला। खाली मैं 1 एमएम वाला को मैं ये फॉर्मूला बोलता हूँ, बाद में थिकनेस भी एडिंग करके मैं फॉर्मूला बदल के मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ। फॉर्मूला यही है, इसका मीटर स्क्वायर पहले कैलकुलेट करने के मीटर स्क्वायर, उसके बाद उसे 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, गुणन करना पड़ेगा, तब 1 एमएम वाला और 1000 एमएम वाला लंबा 1000 एमएम वाला विड्थ उसका वजन मिलेगा। मैं क्यों एमएम को सिखाने समय मीटर स्क्वायर के बारे में बोला है करके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये आसानी रास्ता मैं सिखाने के बाद मीटर स्क्वायर के बदल मिलीमीटर स्क्वायर का, तो क्योंकि इधर मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में मैं आपको सिखाएगा तो वो हल्का मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले मिलीमीटर स्क्वायर सिखाने के पहले मीटर स्क्वायर में सिखाता है, उसके बाद मैं मिलीमीटर स्क्वायर में भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, फॉर्मूला वजन देखने के लिए 1 एमएम वाला चीज का वजन देखने के लिए फॉर्मूला मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 है। ए मीटर स्क्वायर बोलेगा तो क्या है, ए मीटर इंटू ए मीटर, ओ ए मीटर स्क्वायर गया एपिसोड में मैं इसे बोला था, इसके लिए उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलता। इधर का मीटर कितना है, इधर का मीटर कितना है आपको मैं गया बार एपिसोड में बोला था, 1000 एमएम बोलेगा तो 1 मीटर है, 1000 एमएम बोलेगा तो 1 मीटर है। मतलब इधर का लंबा को हम लेंथ बोलता है, इधर के लंबा को हम विड्थ बोलता है, गया बार बोला था लेंथ इंटू विड्थ, मीटर इंटू मीटर उसको मीटर स्क्वायर बोलता है। लेंथ इंटू विड्थ बोले तो क्या है, गया बार बोला था एरिया है, मतलब मीटर स्क्वायर आप कैलकुलेट करेगा तो आप एरिया कैलकुलेट करता है, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 बोलेगा तो एरिया इंटू 7.85 एरिया इंटू 7.85 तब हमको मिलता है वेट। मीटर स्क्वायर बोलेगा तो एरिया है, एरिया बोलेगा तो फॉर्मूला उसका मीटर इंटू मीटर है, लेंथ इंटू विड्थ है, एल इंटू डब्ल्यू है, एल बोलेगा तो लेंथ, डब्ल्यू बोलेगा तो विड्थ। ओ मैं इधर लिखा है लेंथ इंटू विड्थ, मीटर स्क्वायर बोलेगा तो एरिया है, एरिया बोलेगा तो लेंथ इंटू विड्थ है, उसे कितना से मल्टीप्लीकेशन करने के 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो हमको उसका वजन वेट मिलेगा। ये तो खाली मीटर से काम करना समय, मीटर से कैलकुलेट करना समय यूज करने का फॉर्मूला है 1 एमएम थिकनेस वाला, लेकिन मिलीमीटर से, क्योंकि इधर मिलीमीटर है, लेकिन मिलीमीटर से करना समय ये 7.85 हल्का बड़ा लंबा में आएगा, वो हमेशा मन के अंदर याद रखने के लिए मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले मीटर से मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 का फॉर्मूला मैं आपको सिखाया, उसके बाद मैं मिलीमीटर स्क्वायर से कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। अभी आपको मालूम हो गया 1000 एमएम बोलेगा तो 1 मीटर है, 1 मीटर है, इधर का 1000 एमएम विड्थ बोलेगा तो 1 मीटर है, वो भी 1 मीटर है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर तब मीटर स्क्वायर मिलेगा इंटू 7.85, ओ ये वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। 1 एमएम थिकनेस वाला है, हम पहले 1 एमएम थिकनेस वाला सीखेगा, उसके बाद
बाहर है मंत्र कितने सवाल सिखेगा, उसके बाद लंबा बढ़ाने के बाद सिखाएगा, उसके बाद लंबा बढ़ाने के बाद बारह मंत्र कितने सिखाएगा, उसके बाद बारह मंत्र कितने सवाल से ऐसे वाले एक समचतुर टैंक बनाने के लिए सिखाएगा, उसके बाद इतना लंबा में इधर का इधर से इधर तक ओय लंबा में राउंड वाला एक टैंक बनाने के लिए जितना मेटीरियल हो जाएगा वो मेटीरियल का वेट हम सिखाएंगे। अभी मैं बोला मीटर स्क्वायर मैं क्यों सिखाया, क्यों मिलीमीटर स्क्वायर नहीं सिखाया वो अभी मालूम होगा, क्योंकि मैं मिलीमीटर स्क्वायर में अभी सिखाता हूं। मिलीमीटर स्क्वायर यूज करके मिलीमीटर से आप पूरा काम करना है तो पहले मीटर से काम करना समय फॉर्मूला यही है, मिलीमीटर से काम करना समय फॉर्मूला यही है। आपको देखेगा तो भी मालूम पड़ेगा कितना लंबा वाला मेजरमेंट है। इसके लिए मैं पहले ये सिखाया, मिलीमीटर में पूरा आपको करना है तो यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिलीमीटर स्क्वायर के साथ कितना से गुणन करना पड़ेगा, देखिए 0.00007 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। शायद आपको गलत होने की संभावना है, एक शून्य ज्यादा लगाने के लिए आपको संभावना है, एक शून्य कम लगाने के लिए संभावना है। इसके लिए मैं आपको यह सिखाया, इसके लिए यह पूरा होना समय तक मैं मिलीमीटर स्क्वायर से यह फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको ये करने के लिए मैं हमेशा बोलूंगा, लेकिन आपका जानकारी के लिए आप समझिए मिलीमीटर से पूरा काम करना है तो पूरा वेट कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करने के, मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 0.00007 तब वेट मिलेगा। पहले बोला जैसे मीटर स्क्वायर बोले तो क्या है, एरिया है, इधर मिलीमीटर स्क्वायर बोले तो क्या है, एरिया है, उसके बदल फीट स्क्वायर बोले तो क्या है, वो भी एरिया है, उसके बदल सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो क्या है, वो भी एरिया है। गया बार बोला था इसके लिए, उसके बारे में ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करता है, ज्यादा बताता नहीं उसके बारे में। मिलीमीटर स्क्वायर बोले तो क्या है, एरिया है, लेंथ इंटू विड्थ है, वो मैं इधर भी लिखा है लेंथ इंटू विड्थ है, उसका शॉर्ट फॉर्म एल इंटू डब्ल्यू लिखा है, लेंथ एल विड्थ डब्ल्यू, ओ 0.A मेजरमेंट। मैं फिर भी मैं नहीं बोलता क्योंकि शून्य बहुत बार बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए बहुत समय लगेगा। आप ये याद रखिए मिलीमीटर इंटू इतना ये मेजरमेंट, और ओ ये मिलीमीटर स्क्वायर है एरिया, एरिया इंटू 0.00007 नहीं तो एल इंटू डब्ल्यू, एल इंटू डब्ल्यू बोलो तो एरिया है, एरिया बोलो तो मिलीमीटर स्क्वायर है, ये तीनों सेम है। एल इंटू डब्ल्यू इंटू 0.00007 ऐसे करेगा तो भी हमको मिलेगा वेट। अभी हम कैलकुलेट करेगा, ये 0.00007 ओ मैं कभी भी अभी नहीं बोलूंगा, पूरा मीटर स्क्वायर से मैं अभी सिखाऊंगा। ये मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 ओ एक कॉन्स्टेंट है, हमेशा ओ वैल्यू लगाने के, कौन सा मटेरियल के लिए, सादा लोहन के लिए, मतलब माइल्ड स्टील बोलता है ना हम लोग, एमएस बोलता है, माइल्ड स्टील बोलता है, नहीं तो दूसरा कार्बन स्टील सीएस बोलता है शॉर्ट फॉर्म में, सादा आयरन, सादा स्टील, ये तो सब कैलकुलेट करना समय आप ये फॉर्मूला यूज करना है। मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 क्या के लिए, एक एमएम शीट के लिए, बाद में मैं एक एमएम थिकनेस ज्यादा होएगा तो थिकनेस भी मल्टीप्लीकेशन करने के बारे में मैं सिखाऊंगा। ओके, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ करेगा तो हमको एरिया मिलेगा, गया बार मैं बोला था फिर भी बोलने का जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा है तो एक एमएम थिकनेस वाला, एक मीटर लंबा वाला, एक मीटर लंबा है करके मालूम है, एक मीटर लंबा वाला, एक मीटर विड्थ वाला, एक शीट का, वन एमएम शीट का वेट कितना होगा, आप कैलकुलेट कीजिए। क्या है फॉर्मूला, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोलेगा तो क्या है, मीटर स्क्वायर बोलेगा तो क्या है, वन इंटू वन
मीटर स्क्वायर बोले तो क्या है एरिया है, एरिया बोले तो क्या है लेंथ इंटू विड्थ है, लेंथ इंटू विड्थ बोले तो क्या है एल इंटू डब्ल्यू है, एल कितना है 1 मीटर है, विड्थ कितना है 1 मीटर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करेगा तो कितना मिलेगा 1 इंटू 1 कितना है 1। ओ 1 को हम कितना से मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करने के, 1 × 7.85 एक मेजरमेंट को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो वही मेजरमेंट मिलेगा करके मालूम है। मतलब ये चीज का 1000 mm वाला नहीं तो 1 मीटर वाला, ये 1000 mm वाला नहीं तो 1 मीटर वाला 1 mm थिकनेस का वेट कितना होगा, हमेशा के लिए याद रखिए 7.85 होगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन किया उसे 7.85 से मल्टीप्लीकेशन किया तब हमको मिला 7.85। वो ये उसका वजन, ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा तो आपका बुद्धि से सबका मेजरमेंट सबका वेट आपको निकाल सकते हैं। आप इतना तो याद रखने के 1 मीटर लंबा वाला, 1 मीटर विड्थ वाला और 1 mm थिकनेस वाला एक शीट का वेट हमेशा 7.85 होगा। ये जो लिखा वो इधर भी लिखा है, मैं 1 मीटर के बदल 1000 mm मिला, 1000 mm लिखा, दोनों सेम है करके आपको मालूम है, इधर 1 मीटर लिखा उसके बदल 1000 mm लिखा, दोनों सेम है करके आपको मालूम है, इधर 1 mm थिकनेस है तो इधर भी 1 mm थिकनेस लिखा है, इसका वजन 7.85 होगा तो इसका भी वजन 7.85 होगा। आपको इसमें भी पहले बोला जैसे फॉर्मूला यूज कर सकता है, ये मीटर स्क्वायर इंटू 7.85, इसका मीटर कितना है 1, 1, 1, इसका मीटर कितना है 1 × 1, 1 × 7.85 तब हमको मिलेगा 7.85। लेकिन आप मिलीमीटर से ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको ये तो सब यूज करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, शायद आपको गलत होने की संभावना है, लेकिन आप उसका मिलीमीटर से यूज करना है तो फॉर्मूला यही है, लेकिन आपको गलत होने की संभावना है, इसके लिए हमेशा आपका मन में ये याद रखिए मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 क्या के लिए 1 mm थिकनेस के लिए। अभी मैं जाड़ा वाला थिकनेस के लिए 2 mm थिकनेस वाला 3 mm थिकनेस वाला उसके लिए भी सिखाऊंगा, तब ये मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 के साथ थिकनेस भी मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं सिखाऊंगा। अभी देखिए हम लोग 1 मीटर इंटू 1 मीटर के बारे में सीखा, लेकिन थोड़ा भी लंबा वाला है तो 1 मीटर के बदल 2 मीटर है तो फिर भी 1 मीटर विड्थ है तो उसका वजन कितना होगा आपको मालूम है 7.85 है, इसका लंबा वजन है तो 1 7.85 भी उसके साथ जोड़ेगा तब कितना हो जाएगा आपको मालूम है, वो ही मैं इधर लिखा है 1 मीटर के बदल 1000 mm के बदल 2000 mm वाला हम देखेंगे, 2000 mm वाला देखेंगे, और 1 मीटर के बदल 1 मीटर बदलता नहीं, खाली 1 मीटर बदल के 2000 डाल, 1 मीटर बदल के 2 मीटर डाला मतलब 2000 mm डाला, और इधर का 1 मीटर न बदल के 1 मीटर डालता हूं, 1 मीटर बोलेगा तो 1000 mm है, 1000 mm डाला, थिकनेस में कुछ भी बदला नहीं है, 1 mm थिकनेस वाला 2000 mm 1000 mm ऐसा है तो उसका लंबा कितना होगा, फॉर्मूला क्या है मीटर स्क्वायर इंटू 7.85, वो फॉर्मूला यूज करने के मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 तब हमको वेट मिलेगा। पहला बोला जैसे एल इंटू डब्ल्यू लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू इंटू 7.85 इक्वल टू वेट मिलता है, डब्ल्यू मिलता है, इधर एल कितना है 2000 mm, 2000 बोलेगा तो पहला मैं बोला जैसे मीटर में सिखो क्योंकि आसानी होने के लिए, 2000 mm बोलेगा तो 2 मीटर है क्योंकि 1000 से हरण करेगा तो हमको 2 मिलेगा, 2 × 2 मीटर इंटू इसका 1000 mm का मीटर कितना है 1000 mm 1 मीटर सबको मालूम है, 1000 mm बोलेगा तो 1 मीटर है करके गया बार मैं आपको सिखाया था, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इससे 7.85 से मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए तब आपका कैलकुलेटर ले लीजिए 7.85 से कैलकुलेट करेगा तो आपको 15.7 किलोग्राम मिल जाएगा, आपका कैलकुलेटर यूज करो 7.85 इंटू
टू कितना है करके कैलकुलेट करो, 7.85 इंटू टू, तब हमको मिलता है कि 15.7 जवाब मिला, 15.7 किलोग्राम जवाब मिला। मतलब ये कितना है, इसका बिल्कुल डबल वाला मेजरमेंट हमको मिल गया, 15.7 किलोग्राम। मीटर से हम लोग किया, मीटर करके, लेकिन और एक बार भी मिलीमीटर से करने के लिए मैं सिखाता हूँ। मिलीमीटर से करेगा तो अभी जवाब क्या मिलेगा, 15.7 किलोग्राम मिलेगा। आप जरा देखिए मिलीमीटर से मैं किया कि उधर भी फॉर्मूला वही है, उधर मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 ये फॉर्मूला, तो इधर मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 0.00007 है, वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए फिर भी इसके बारे में मैंने सिखाएगा, यही सिखाएगा, खाली आप देखने के मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 0.00007 इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, मिलीमीटर स्क्वायर बोले तो एरिया है, एरिया इंटू 0.00007 तब हमको मिलता है वेट मिलता है। एरिया बोले तो लेंथ इंटू विड्थ है, पहला बार बोला था आपको मालूम है, लेंथ बोला तो कितना है 2000 mm है, मिलीमीटर से करता है, उधर मीटर से किया, 2000 mm है, मिलीमीटर से करना दो मीटर से करना दो, जवाब यही मिलेगा। लेकिन ये मुश्किल है, इसके लिए ये मैं सिखाया, फिर भी वही सिखाऊंगा, सबसे लास्ट मैं मिलीमीटर से करने के लिए सिखाता हूं। ये मेजरमेंट आपका कैलकुलेटर में आप देखिए, आपको जवाब यही मिलेगा। टाइम नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, इसके लिए मैं कैलकुलेटर में करके मैं नहीं दिखाता, आपका कैलकुलेटर में आप बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सिखाएगा, आपको नहीं सिखा सकता है, आपको नहीं सीख सकेगा। इसके लिए जरूर आपका कैलकुलेटर में करना है, नहीं तो एक सिनेमा देखने जैसे आप देखते ही रहेगा। इसके लिए बिल्कुल आपका कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेट कीजिए, तब आपको बराबर सीख सकेगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ा है कि 2000 mm इंटू 1000 mm, हल्का भी बड़ा लंबा है तो क्या होगा, 2000 mm लंबा और ये जरा बड़ा के देखिए, 1000 के बदले 2000 करके बढ़ाया, लंबा पहले का जैसे 2000 mm है। अभी ये मेजरमेंट आप कैलकुलेट करके मुझको बता दीजिए, क्या है फॉर्मूला, मीटर स्क्वायर, इसको भी थिकनेस 1 mm है, क्या है फॉर्मूला, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85, मीटर स्क्वायर बोले तो क्या है मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया एल इंटू डब्ल्यू, एल बोलेगा तो मीटर कितना है, 2000 mm बोले तो 2 है, एल इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है मीटर में, 2000 mm बोलेगा तो 2 मीटर है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करेगा तो मीटर स्क्वायर मिलेगा, नहीं तो एरिया मिलेगा, वो एरिया को 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करने के आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दीजिए, देखिए तो आपको ये मेजरमेंट मिलेगा। देखेंगे 7.85 इंटू 7.85 इंटू 2 इंटू 2 सिकल टू हमको मिला है कि 31.4, हमको जवाब मिला 31.4, मतलब इसका बिल्कुल डबल हो गया, इसका बिल्कुल डबल हो गया इसको, क्योंकि बड़ा वाला एक चतुर लिया, उससे बिल्कुल डबल वाला एक चतुर लिया, उसका भी वजन डबल हो गया। अभी हम हल्का भी मुश्किल वाला एक वजन देखिएगा, हमारा शीट दुकान से शीट लेगा तो ये लंबा में मिलने के लिए संभावना नहीं है, ये लंबा में मिलने के लिए संभावना नहीं है, हमेशा मिलता है, ज्यादा मिलता है 1250 विड्थ में मिलता है और 2500 mm में मिलता है, दुकान से, दुकान से हमेशा 1 mm थिकनेस 1250 mm
विड्थ में मिलता है 2500 mm में। यह दुकान से मिलने वाला ये वन्नम थिकनेस वाला शीट को कितना वजन होगा, क्या है फॉर्मूला? पहला बोला जैसे मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 है, फॉर्मूला क्या है? मीटर स्क्वायर इंटू 7.85। इधर का मीटर स्क्वायर कितना है? मीटर इंटू मीटर कितना है? इधर का मीटर कितना है? 2500 mm बोलेगा तो कितना मीटर है? 2.5 मीटर है। हरण किया, हजार से हरण किया तब हमको जवाब मिला 2.5 मीटर। और लेंथ इंटू विड्थ कितना है? 1250 mm बोलेगा तो कितना मीटर है? हजार से हरण करना पड़ेगा तब क्या जवाब मिलेगा? 1.25 मीटर। याद रखिए मीटर है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन आपका कैलकुलेटर में करो तब मीटर स्क्वायर मिलेगा इंटू 7.85। कैलकुलेटर में कैलकुलेटर करके देखिए, टू पॉइंट फाइव इंटू 1.25 इंटू 7.85 बोलेगा तो कितना जवाब मिला? 24.53। हमारा वजन कितना है? 24.53। आप एक दुकान से इतना लंबा वाला 2.5 मीटर वाला, इतना विड्थ वाला 1.25 मीटर वाला एक एमएम शीट आप लेगा तो उसका वजन होगा 24.53 किलोग्राम। इतना तो सीखा। अभी क्या सीखना चाहिए? ये इधर से हम शुरू किए, 1000 mm × 1000 mm एक एमएम से शुरू करके हल्का भी बड़ा सीखा, फिर भी बड़ा सीखा, सीखे हम लोग इधर तक पहुंच जा। अभी सीखना चाहिए कि सेम मेजरमेंट दुकान से मिलने वाला 2500 mm लंबा वाला, लेंथ वाला 1250 mm, विड्थ वाला 1 mm के बदल 2 mm होएगा तो कितना होएगा? आपको आसानी से बोल सकता है, ये तो 24.53 है तो 2 mm थिकनेस है तो क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 के साथ क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऐसा है तो ये फॉर्मूला बदल सकता है, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस। वही सीखता हूं अगला ड्रॉइंग में। ये 2500 के लिए 2500 लिखा है, 2500 लिखा है, और 1250 फिर भी 1250 लिखा है, पहले भी 1250 था, पहले भी 1250 था, ओ 1250 लिखिए। कहां क्या बदला? खाली थिकनेस 1 mm के बदल 2 mm थिकनेस किया। तब फॉर्मूला क्या करना चाहिए? हमेशा के लिए आप याद रखिए, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस। टी बोलेगा तो क्या है? थिकनेस किस में होना चाहिए? मिलीमीटर में होना चाहिए। ये भी मिलीमीटर में कर सकता है, लेकिन ये 7.85 बदल के 0.00007 डालना पड़ेगा। वो मुश्किल बदलने के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, वेट समझने के लिए, W समझने के लिए फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिए, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस। थिकनेस मिलीमीटर में होना चाहिए, 1 mm मिलीमीटर वाला थिकनेस का 1000 mm और 1000 mm बढ़ती है तो उसका वजन 7.85 करके आप जाना, वो याद रखिएगा तो आपको मैं दूसरा कुछ भी नहीं सिखाएगा तो आपका बुद्धि से सब कुछ कर सकता है। याद रखो मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस है वेट समझने के लिए फॉर्मूला। उसमें मीटर स्क्वायर देखने का, मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर देखने से 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करता है, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करने से थिकनेस एमएम से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, तब मीटर स्क्वायर कितना है इसका?
2500 mm बोले तो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर इंटू 1250 mm बोले तो कितना मीटर है, हरण हजार से हरण करेगा तो 1.25 मिलेगा, 1.25 मीटर, 2.5 मीटर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करना है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना से 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करने के इंटू टी, थिकनेस कितना है, थिकनेस 2 mm है, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन करके देखो आपको जवाब मिलेगा 49.06। आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए, मैं अभी कैलकुलेटर क्योंकि समय नहीं है कैलकुलेटर नहीं करता, पहले बार अभी 49.06 जवाब मिला है, तो पहले 1 mm थिकनेस वाला था उसका इसका आधा 49.06 से आधा कितना है 24.53 है, आधा 24.53 पहले मिला था, अभी जवाब क्या मिला 49.06 जवाब मिला। ओके याद रखिए, अभी 2 mm के बदल फिर भी थिकनेस में बदलता हूं 3.15 mm थिकनेस वाला अभी दुकान में मिलने वाला चीज है, इसका वजन कितना होगा, दूसरा कुछ भी मैं बदला नहीं है, 2500 mm है, फर्क नहीं है, 1250 mm इधर भी 1250 mm है, उसमें बदला नहीं है, ऐसा कर तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू टी, टी mm में, मीटर स्क्वायर बोला तो क्या है, एरिया है, एरिया है, लेंथ इंटू विड्थ है, एल इंटू डब्ल्यू है, वो मीटर में कैलकुलेट करने का इंटू कितना से 7.85 से मल्टीप्लीकेशन करने के, और टी थिकनेस मल्टीप्लीकेशन, याद रखो टी हमेशा मिलीमीटर में होना चाहिए। ओके तब क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, वेट मिलेगा, एरिया कितना है, लेंथ इंटू विड्थ कितना है, इसका लेंथ कितना है 2500 बोलेगा तो 2.5 मीटर, ओ इधर लिखा है 2.5, और 1250 mm बोलेगा तो कितना मीटर है, 1.25, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करने के है, तब मल्टीप्लीकेशन करके 7.85 से भी मल्टीप्लीकेशन करने के, उसके बाद 3.15 थिकनेस 3.15 है, तीनों मल्टीप्लीकेशन करके आप देखो आपको जवाब मिलेगा 77.27 किलोग्राम, देखो 2.5 इंटू 1.25 इंटू 7.85 इंटू 3.15 बोलोगे तो थिकनेस 3.15 इक्वल टू, तब हमको जवाब मिला है कि 77.27। अभी आप इतना तो सीखा है, वजन कैसे लेगा वो सीखा है, लेकिन हमारा प्लेट क्या है, हमको अभी एक टैंक का वजन देखना चाहिए, उसके पहले वो मुश्किल वाला होगा करके सोच के समझदुर वाला एक टैंक का देखने के लिए कोशिश किया, टैंक समझदुर वाला टैंक का देखने के पहले खाली एक साइड का देखने के लिए ये मेजरमेंट ले लिया, ये मेजरमेंट देखिएगा पहले 2000 वो देखने के पहले 12 mm के बदल 1 mm थिकनेस वाला, मतलब 2160 mm इंटू 2015 mm 1 mm थिकनेस वाला तो कितना है करके सीखा पहले, ओ फिर भी सीखेगा, अभी दुकान से ऐसे वाला मिलेगा 2500 mm और 1250 mm, ऐसे वाला मिलने के बाद ये काट के हमारा एक शीट का साइज 2160 mm है लेंथ, और हमारा दूसरा साइड टैंक बनाने के लिए दूसरा साइड 2015 mm है, वो 12 mm थिकनेस वाला है, लेकिन मैं पहले 1 mm का सिगाता हूं, उसके बाद 12 mm को सिगाएगा, 2160 mm इंटू 2015 mm, तब फॉर्मूला क्या है,
मीटर स्क्वय इंटू सवन पॉइंट एट फाइव इंटू तिक्न मिलीमीटर में मेहे ओ ये फॉर्मुल एरिया इंटू सवन पॉइंट एट फाइव इंटू तिक्न मिलीमीटर में मेहे ओ ये फॉर्मुल एरिया बोले तो एल इंटू विड्थ है लेंथ इंटू विड्थ है लेंथ इंटू विड्थ कितना है लेंथ कितना है 2160 ओ मीटर में करेगा तो हजार से हरण करेगा तो 2.16 मिलेगा और इंटू विड्थ एल इंटू डब्ल्यू विड्थ कितना है उसका 2015 बोलेगा तो उसे हजार से हरण करेगा तो मीटर में कर सकेगा मीटर में करने के लिए हजार से हरण करना पर समय 2.015 मिलेगा 2.015 मिलेगा तब हमारा मीटर स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर इंटू 7.585 फिर भी 7.5 लिखा उसके बाद टी थिकनेस हमेशा एमएम होना चाहिए कितना है टी इधर 1 mm है 1 mm लिखा मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस एरिया इंटू 7.85 इंटू थिकनेस लेंथ इंटू विड्थ इंटू 7.85 इंटू थिकनेस एल इंटू डब्ल्यू इंटू 7.85 इंटू थिकनेस उसको जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट इधर डाला उसके बाद ये चारों मल्टीप्लीकेशन करेगा तो हमको जवाब मिलेगा 34.166 किलोग्राम आपका कैलकुलेटर में देखिए आपको जवाब मिलेगा 34.166 किलोग्राम ये तो हमारा समझदर का एक साइड का नहीं है एक साइड 12 mm वाला है लेकिन ये 1 mm वाला है ये 1 mm के बदल 12 mm है तो क्या होगा वो अभी सीखना शुरू करता होगा 12 mm ये मेजरमेंट बदलता नहीं है मेजरमेंट कितना है 2160 mm इधर भी मैं लिखा है 2160 mm पहले लिखा हुआ 2015 mm फिर भी लिखता हूं 2015 mm इसको 12 mm वाले अभी हमारा समचतुर का एक साइड का मिलेगा इसको फॉर्मूला क्या है मीटर स्क्वायर इंटू 7.5 इंटू थिकनेस मिलीमीटर में मीटर स्क्वायर बोले तो क्या है एरिया बोले तो क्या है लेंथ इंटू विड्थ है लेंथ इंटू विड्थ बोले तो क्या है एल इंटू डब्ल्यू है एल ए डब्ल्यू है ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा किसमें मीटर में 2160 बोलेगा तो 2.16 मीटर है करके आपको मालूम है और 2015 बोलेगा तो 2.015 ये करके मालूम है ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करने के बाद टी से भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 7.85 से मार्किंग मल्टीप्लीकेशन करने के उसके बाद 7.85 मल्टीप्लीकेशन होने के बाद टी से थिकनेस से भी मल्टीप्लीकेशन करने के टी कितना है 12 mm है 12 mm से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो हमको वजन मिलेगा वेट मिलेगा आपका कैलकुलेटर में कैलकुलेटर करके देखिए कितना होगा मीटर स्क्वायर 2.16 इंटू 2.16 इंटू 2.015 इंटू 7.85 इंटू 12 थिकनेस 12 mm तब दबाव मिलता है कि 409.96 किलोग्राम है इसका वेट वो टैंक का हम बनाने वाला टैंक का एक साइड का वेट 409.96 किलोग्राम है हम ऐसा वाला एक टैंक बनाता है पहले बोला हुआ मेजरमेंट है मैं बदला नहीं है पहले बोला है 2015 mm है उसका ऊंचाई है करके बोला था फिर भी वो मेजरमेंट डालता हूं पहले बोला था उसका विड्थ समचतुर वाला विड्थ का 2160 है इसके लिए इधर भी 2160 है इधर भी 2160 है इधर भी 2160 है वो भी
बारामंतिकनेस वाला है, ऊपर एक प्लेट होगा बारामंतिकनेस वाला, नीचे भी एक प्लेट होगा वो बारामंतिकनेस वाला, चार साइड में प्लेट होगा बारामंतिकनेस वाला। ये बारामंतिकनेस वाला प्लेट का एक साइड का वजन हम अभी कैलकुलेट करके मिल गया 409.996। लेकिन ऐसे वाला कितना साइड है, एक दो, उसके बाद तीसरा उधर और चौथा इधर, ऐसा है तो ये चार बार प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो चार से मल्टीप्लीकेशन करना है, चार से मल्टीप्लीकेशन करो 409.996 की इंटू चार, तब ये टैंक का समझदर टैंक का चार साइड का लंबा मिलेगा, अब सॉरी वेट मिलेगा कितना किलोग्राम है करके। उसके बाद ऊपर भी एक प्लेट है, नीचे भी एक प्लेट, वो भी गिनेगा तो ये टैंक का पूरा वजन मिलेगा कितना है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करेगा तो आपका कैलकुलेटर में 409.996 × 4 मल्टीप्लीकेशन करो तब आपको मिलेगा 1639.98 किलोग्राम। अभी क्या करना चाहिए, ये चार बाजू का मिल गया, ऊपर और नीचे का समचतुर वाला प्लेट का भी मिलने का है, इसको भी थिकनेस 12 mm है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस, मीटर स्क्वायर इंटू 7.85 इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू विड्थ इंटू 7.85 इंटू थिकनेस, एल इंटू डब्ल्यू इंटू 7.85 इंटू थिकनेस, एरिया इंटू 7.85 इंटू थिकनेस, तब वेट मिलेगा। ये एरिया को उसमें जो जो मेजरमेंट है वो डालो, एरिया एल इंटू डब्ल्यू है, ये प्लेट का वजन कितना है करके जानने के लिए कैलकुलेट करता है, कितना है इसका लेंथ 2160 mm, तब उसका मीटर होगा 2.16 मीटर, सेम है इधर का भी 2.16 मीटर इंटू 7.85 इंटू टी थिकनेस mm में 12 mm। ये आपका कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए, तब आपको मालूम होगा 2.16 × 2.16 × 7.85 × 12, तब जवाब मिलता है कि 439.5, तब हमको जवाब मिला 439.5 किलोग्राम। ऊपर का प्लेट का लंबा वजन 439.5, तब नीचे का प्लेट का भी वजन कितना होगा 439.5। इसके लिए दो बार जोड़ना चाहिए, नहीं तो दो से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लीकेशन करिया ये 439.5 × 2, तब जवाब मिला 879, उतना तो किलोग्राम। ऊपर का और नीचे का प्लेट का वजन 879 किलोग्राम, और चार बाजू का प्लेट का वजन 1639.98, ये दोनों प्लस करने के तब पूरा वजन मिलेगा 1639.98 प्लस अभी मिला हुआ वजन 879, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करेगा तो हमको जवाब मिलता है कि 2518.979 किलोग्राम। अभी आपको इतना तो मालूम हो गया, अभी आपको क्या सिखाने के लिए बाकी है, स्क्वायर का समझ में आ गया। अगला वीडियो में ये राउंड वाला टैंक का वजन कितना होगा वो मैं सिखाऊंगा, उसमें एक प्लेट राउंड वाला प्लेट डाल के, ये डिश के बदल राउंड वाला प्लेट डाल के वेल्डिंग करेगा तो, इधर भी राउंड वाला प्लेट डाल के बिल्डिंग करेगा तो कितना वजन होएगा वो सिखाएगा, उसके बाद डिश का वजन
दूसरे क्लास में मैं इसे गाऊंगा। ओके, मैं आज का क्लास खत्म करता हूँ। आप सब लोगों को समझ में आया करके मुझको मालूम है। अगला वीडियो में आप जो जो डाउट पूछा था वो डाउट के लिए मैं जवाब दे दूंगा। एक बार आप पूछा था डिग्री कैसे समझेगा, बेंडिंग करने वाला एक आदमी मुझसे पूछा था बेंडिंग वो करने के लिए जवाब कैसे कैलकुलेट करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन कैसा है, साइन कोस टैन ये कैसे यूज करेगा, वो मैं सिखाऊंगा अगला वीडियो में। और दूसरे एक आदमी पूछा था एक सर्कल 12 से 12 होल डालना है तो 12 डिवीजन करना पड़ेगा, उसको कैसे आसानी रास्ता क्या है, वो तो सब मैं सिखाऊंगा। लेकिन मुझको खाली फैब्रिकेशन डाउट क्लियरिंग सेशन हिंदी एपिसोड नहीं है, पूरा एपिसोड मैं करता है। फैब्रिकेशन डाउट क्लियरिंग सेशन हिंदी एपिसोड अभी दो है, ये तो मेरा 2015 वाला वीडियो है, मेरा सर्चिंग टाइटल, मेरा 2015 वीडियो आपको आपका मोबाइल में मिलना है तो मेरा नाम यूट्यूब सर्चिंग टाइटल में डालना पड़ेगा। सर्चिंग यूट्यूब चैनल का टाइटल क्या डालने का, मेरा नाम है, मेरा नाम पूरा नाम क्या है, जोसेफ जूड कानाट निकोलस करके डालने के आपको 2015 वीडियो मिलेगा। उसमें खाली फैब्रिकेशन डाउट क्लियरिंग सेशन हिंदी एपिसोड नहीं है, उसमें इंग्लिश एपिसोड है, मलयालम एपिसोड है और दूसरा सीरीज है, फैब्रिकेटेड कॉन्स है, स्ट्रक्चरल सुपरविजन मैनुअल है, डिग्री कैलकुलेशंस है और टूल बॉक्स टॉक है, सेफ्टी टॉक्स है, मलयालम टूल बॉक्स टॉक है, ऐसे इंजीनियरिंग के बारे में नौ सीरीज है और बिना इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी है, बाइबल संबंधी है, सिनेमा संबंधी है, स्पोकन इंग्लिश संबंधी है और धार्मिक जिंदगी के बारे में है और प्रार्थना का जैसे है, ऐसा अलग अलग सीरीज है। इसके लिए आपका डाउट आप जो पूछा वो तो कल मैं नहीं डालेगा, तभी अगला हफ्ता मैं डालेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप शेयर करना चाहिए, दूसरे आदमी लोगों को शेयर करना चाहिए। और आप नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज सब्सक्राइब करने के, दूसरे आदमी लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना चाहिए। आपको अच्छा लगा है करके मैं विश्वास हो, मुझको विश्वास है, मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। अगला वीडियो में फिर भी देखिए, परमेश्वर आपको मुझे बला करने दो। थैंक यू।